राम साहब, मैं हूँ प्रिया, मैं हूँ मयंक और आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल ब्रोसिस रिएक्शन 2.0 में। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं वारिसु मूवी के मास शिपयार्ड फाइट सीन पे। और जैसा कि आप सबको पता है कि वारिसु मूवी में है थलापति विजय सर, उनके साथ है रश्मिका मैम और इस मूवी को डायरेक्ट किया है वॉन सी सर ने। तो सबसे पहले हम ये सीन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पीछे से आए, उन्हें पोर्ट दिखा दो। कौन सर? किसका सर? मैं सिर्फ दो सर को जानता हूँ, एक है जय सर, दूसरे अजय सर, वही है मेरे बॉस। मैं इनको अपना सर नहीं मानता। दिमाग टूट गया ना, बकवास किए जा रहे हो। अब से यही गाड़ी पीछे की पूरी कोई इनको बॉस मान नहीं लिया मतलब, है ना। हाँ, रघु जी मारने के पीछे लगा हुआ। ये बिजनेस इसका है ना, अभी तो बॉस सकते हैं। कहा था जायदाद की अंधेरे में भागने का शौक नहीं है मुझे, तो फिर तू यहाँ क्यों आया? यहाँ रहेगा ना तो लट्टू की तरह घूमता रहेगा। गिन रहे, बंद कर अपना ये नाटक। इतने बोले बन रहे हैं। आयरन मैन नहीं है, कॉमन मैन है। अगर कॉमन मैन है तो उसी की तरह बिहेव कर। और तुम लोग देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। ये पहला गया। सबकी अब फिर देखना आप थालापति विजय का। क्या बात है,
सब दे नेक्स्ट ईयर टारगेट है ओ सबके पसीने छूट गए की सारों के नाचेगा घानी पूरी पिचका दी मतलब जो इनके कहने पे काम करे वो इनके कहने पे काम करने लगे हाँ वो भी है नुकसान तो इनका ही है क्या बात है आज तक जो भी होता आया है वो आज के बाद नहीं चलेगा क्या बात है सब इनके पीछे सीन और कितना स्वैग है मतलब खालापति विजय सर के अंदर जब वो फाइट सीन करते ना तो हर एक सीन के अंदर जो उनका स्वैग रहता है ना इस बंदे का वो मुझे देखने में बड़ा मजा आता है और इनके जैसा स्वैग मतलब मैं बहुत कम ऐसे एक्टर्स को मतलब देखता हूँ जिनमें इतना ज्यादा स्वैग होता है क्योंकि फाइट करते टाइम में तो अल्लू अर्जुन सर हाँ। उनके अंदर भी मतलब वो क्या स्टाइल से फाइट करते हैं और थालापति विजय सर तो ये दो मतलब इतने अच्छे लगते ना मुझे ये फाइट करते हुए इनके सीन देखने में बड़ा मजा आता है और ये पूरा सीन भी काफी कमाल का था जो मतलब उनके भाई के पीछे लगे हुए थे उनको सर सर कर रहे थे एंड के अंदर वो सब सर के मतलब थालापति विजय सर के पीछे आ जाते हैं पहले समझा ठीक है चलो आए हैं कोई हो गए बट जैसे ही उनको फाइट करते हुए उनको उनके अंदर एक डर आ जाता है कि नहीं भाई ये मतलब इतने लोगों को अकेले इस तरह धो सकते हैं तो मतलब हमें अब इनके पीछे ही रहना चाहिए इतना कमाल का सीन था ना इतना मजा आ गया मतलब ये सीन भी काफी कमाल का था और वैसे मतलब थालापति विजय सर के फाइट सीन कमाल के ही होते हैं कि वो जिस तरीके से करते हैं ना वो मजा आता है देखने में सो ओवरऑल हमें तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना अभी करते हैं इस वीडियो का एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब करना कमेंट करना सजेशन देना और अपना सपोर्ट इस चैनल पे हमने रखना जो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय बाय